गोरखपुर जिले में सोमवार को 96 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं फातिमा चिकित्सालय में इलाज के दौरान एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। अब गोरखपुर में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 17,307 हो गई है। इनमें से 281 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है, जबकि 15,522 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। वहीं जिले में अभी भी 1504 कोरोना मरीज एक्टिव हैं। इसकी पुष्टि CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। उन्होंने बताया कि संक्रमितों के परिजनों की जाँच कराई जाएगी, साथ ही उनके संपर्क में आने वाले लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है। आपको बता दें चलें कि शहर में 65 नए मरीज मिले हैं। इनमें शाहपुर थाना क्षेत्र में सोमवार को सबसे अधिक 19 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा गोरखनाथ थाना क्षेत्र में 10, कैंट थाना क्षेत्र में 18, रामगढ़ताल में 3, कोतवाली में 3, गुलहरिया में 4, राजघाट में 3, चिलवाताल में 3, तिवारीपुर में 2 मरीज मिले हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो 19 नए मरीज मिले हैं। इनमें चरगावा में 12, खोराबार में 4, खजनी में 1, बड़हलगंज में 1, बटन में 3, सजनवा में 2, गोला में 1 मरीज मिले हैं। इसके अलावा अलग अलग थाना क्षेत्रों के 12 मरीज और शामिल हैं। इसकी पुष्टि करते हुए CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है, साथ ही लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील भी की जा रही है। 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपनी और अपने परिवार को बनाएं स्वस्थ और सुरक्षित।